हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आई होप आप सब लोग भी बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों को मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं? तो चलो, आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपने नहाने के बाद का व्लॉग। मैं यहाँ पर नहा करके आ गई हूँ। साथ ही मैंने नहाते नहाते अपने कपड़े भी धो लिए थे। बाकी के जो कपड़े थे मेरे हस्बैंड के, पापा जी के और यूवी के, वो भी धो लिए थे। तो अब मैं उन कपड़ों को सुखा लेती हूँ। यूवी भी यहाँ पर हो गया, उठ गया है, उसकी शुरुआत हो गई है। अभी यूवी थोड़ा सा लेज़ी फील कर रहा है क्योंकि वो सो कर के उठा है। अभी वो दूध पिएगा, जब उसके बाद में थोड़ी सी उसकी एनर्जी आएगी वापस से। तो मैं बना लेती हूँ नाश्ता। नाश्ते में बना रही हूँ मैं पोहे। पोहे को आप लोग किस तरह से धोते हैं वो मुझे बताना। मैं तो उसको भगुनी में पोहे को डाल करके उसके बाद में उसको 2-3 बार पानी से वॉश करती हूँ, तब उसकी सारी गंदगी निकल जाती है। जो भी उसमें मिट्टी वगैरह रहती है, जो भी उसमें वाइट वाइट स्टार्च रहता है, वो सब उसका निकल जाता है। अच्छे से उसकी गंदगी निकलती है। आप लोग भी ट्राई करिएगा, देखिएगा कि उसमें इस तरह से धोने से उसमें कितनी गंदगी निकलती है। अपन लोग छलनी में धोते हैं जब पूरी तरह से वो साफ़ नहीं हो पाते हैं पोहे, तो इसीलिए आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। पहले मैं भी छलनी में धोती थी, मैंने एक ब्लॉग देखा था, उसमें उन्होंने बताया था कि आप लोग इस तरह से धोएंगे अगर पोहे को तो उसमें गंदगी अच्छे से निकलेगी। उसके बाद से मैंने भी स्टार्ट किया है इस तरह से धोना और मुझे काफ़ी अच्छी लगी, उनकी हेल्पफुल लगी ये एडवाइस। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। तो यहाँ पर मैंने अपने पोहे धो लिए हैं 2-3 बार पानी से। उसके बाद मैं इसको थोड़ी देर के लिए, मैं 15 मिनट के लिए रख दूँगी नमक और शक्कर डाल करके, ताकि मेरे पोहे जो है कि सॉफ़्ट हो जाएंगे और खाने में कड़क नहीं रहेंगे। चाहे अपन उसको कितनी देर बाद में भी खाते हैं तो वो सॉफ़्ट ही रहते हैं पोहे। जब तक मेरे पोहे भीग रहे हैं, सॉफ़्ट हो रहे हैं, उतनी देर में मैं कट कर लूँगी प्याज और हरी मिर्ची। पोहे में डालने के लिए तो मैंने यहाँ पर लिए हैं 2 प्याज। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ये पोहे ही इतने सिंपल हैं, उनको भी शूट कर। मेरे पास यहाँ पर हरी मिर्च नहीं थी, इसलिए मैंने ली है शिमला मिर्ची। हरी मिर्च ख़त्म हो गई थी तो मैंने उसकी जगह शिमला मिर्ची का उपयोग किया है। थोड़ी सी शिमला मिर्च बची भी रखी थी तो ये भी यूज़ में आ जाएगी और मिर्ची का भी पता नहीं चलेगा। अब मैंने कढ़ाई में तेल गरम करूंगी। तेल गरम करके मैं उसमें डालूंगी जीरा और राई। साथ ही मैंने सोचा कि इसकी ये मसालेदानी भी बहुत गंदी हो गई थी थोड़ी सी, तो उसको भी मैं वॉश कर लेती हूँ, इसलिए मैंने मसालेदानी के डब्बे निकाल करके उसको वॉश कर लिया है। डाल दिया उसमें और अब मैं भून रही हूँ उसमें प्याज और हरी मिर्ची।
यहाँ पर मैं पी रही हूँ अपने धनिए और सौंफ का पानी जो कि मैं भिगो करके रखती हूँ रात को। रात को मैं भिगो देती हूँ एक गिलास पानी में एक चम्मच, एक टीस्पून सौंफ और एक टीस्पून धनिया, साबुत धनिया, और उसको सुबह छान करके पी लेती हूँ। उससे पेट थोड़ा साफ रहता है, और जिसको थायराइड का प्रॉब्लम है उसको भी सही रहता है। एक्चुअल में मुझे थायराइड का प्रॉब्लम है, मेरा थायराइड थोड़ा सा अभी बढ़ा हुआ है, इसलिए मैं थोड़ा प्रिकॉशन ज़्यादा दे रही हूँ अपने ऊपर। साथ ही मैं मेडिसिन भी लेती हूँ सुबह। उसके बाद पोहे बनाने के बाद में मैंने भर ली है अपनी बॉटल्स जो कि मैंने वॉश करके रखी हुई थी, तो अब सारी बॉटल्स भर लेती हूँ मैं। हम लोगों ने अभी फ्रिज में पानी रखना स्टार्ट नहीं किया है, हम लोग मटके का ही पानी पीते हैं, उससे गला भी ख़राब नहीं होता है। वैसे भी अभी कोरोना का फोर्थ वेव आने का वापस से है, इसलिए फ्रिज का पानी ना पिए तो ही बेहतर है। मटके का पानी ठंडा भी रहता है और पीने में भी अच्छा लगता है। उसके बाद मैं कर लेती हूँ सब्जी बनाने की तैयारी। सब्जी दीदी बनाएंगी, लेकिन मैं आलू प्याज कट कर लेती हूँ। आलू प्याज की सब्जी बनाएंगी दीदी, इसलिए मैंने प्याज कट कर लिए हैं लंबे लंबे और आलू छील लिए हैं। आलू छोटे छोटे वाले थे इसलिए छीले हैं, उन्हें काटा नहीं है मैंने। मेरा यू भी नहा पर नहा करके आ गया है। अभी ये तेनाली रामन बना हुआ है, हमने इसके बाल फिर से कट करवा दिए हैं। गर्मी की वजह से इसके पापा ने बोला कि एक बार और अपन इसको ट्रिम कर देते हैं इसके बालों को तो अच्छा रहेगा, तो इसलिए हमने इसको वापस से अभी कट करवा दिए हैं इसके बाल। अभी ये नहा करके आया है यूवी, तो इसको मैं रेडी कर रही हूँ। गर्मियों में मैं यूज़ करती हूँ नारियल का तेल यूवी के लिए। इसको अच्छा लगता है जब मैं इसको रेडी करती हूँ, लेकिन जब ये छोटा था ना तब इसको बहुत गुस्सा आता था रेडी होने में, तो ये इधर उधर भगता था। लेकिन अभी इसका क्या है ना, अभी अच्छे से रेडी हो जाता है। बस इसके फेस पे जब मैं कुछ भी लगाती हूँ, इसके फेस पे हाथ भी मैं लगाऊंगी अगर, तो ये भागना स्टार्ट कर देगा। यूवी को आज मैंने बनियान नहीं पहनाई क्योंकि इस ड्रेस में यूवी की बनियान दिखती है, इसलिए मैंने यूवी को बनियान नहीं पहनाई। वैसे मैं डेली पहनाती हूँ उसे बनियान, लेकिन आज मैंने नहीं पहनाई है। आज यूवी ऊपर से नीचे डॉट डॉट वाले ड्रेस पहन रहा है, उसकी अंडरवियर भी डॉट वाली है और ड्रेस भी डॉट वाली है। ये देखिए टकलू के सिर पे मालिश हो रही है, अच्छे से चम्पी करो टकलू की। ये
ये देखो ये स्टार्ट हो गया यूवी का रोना। जैसे ही मैंने उसके फेस पे हाथ लगाया वैसे उसका नाटक करना हो गया स्टार्ट। ये देखो कैसे करता है वो, कैसे रोता है जब मैं उसके फेस पे हाथ लगाती हूँ। उसके फेस के लिए मैं यूज़ करती हूँ ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल। ये देखो अब मुझे उसको लाड़ करना है, वो गुस्सा हो गया मेरे फेस पे हाथ क्यों लगाया आपने, इसलिए मैं उसके साथ थोड़ा सा खेल रही हूँ। फिर आ गई हूँ मैं किचन में। यूवी को रेडी करने के बाद मैं लगा रही हूँ आटा। कई लोग आटा गूंथना बोलते हैं, कई लोग आटा सामना बोलते हैं, कई लोग आटा लगाना बोलते हैं, मैं आटा गूंथना बोलती हूँ। आटे में जितनी अच्छी लोच अपन देते हैं उतनी ही रोटियां सॉफ्ट बनती हैं, इसलिए मैं इसको अच्छे से लोच देती हूँ आटे को। आटा लगाने के बाद में मैं कट कर लूँगी सलाद, जिसमें कि मैं कट करूँगी खीरा, प्याज, टमाटर। सलाद कट करने के बाद में मैंने तोड़ लेती हूँ यहाँ पर मिर्ची के नाके। कल ये सब्जी मंडी से लेकर आए थे हरी मिर्ची, तो मैं उसके पीछे के जो डंठल होते हैं उनको तोड़ करके फ्रीज में रखती हूँ वॉश करके। उससे क्या होता है ना कि जो हरी मिर्ची होती है वो ज़्यादा दिन तक चलती है, ज़्यादा जल्दी ख़राब नहीं होती है अगर अपन उसके पीछे के डंठल तोड़ के रखते हैं तो। आप लोग भी ट्राई करिएगा मेरी ये एडवाइस। तो मैं सारी मिर्चियों के नाके तोड़ लेती हूँ। मेरे पास अभी टाइम था, मुझे अभी रोटी सेकना नहीं था क्योंकि दीदी सब्जी बनाने वाली हैं, तो सब्जी दीदी बनाएंगी उसके बाद में मैं रोटी सेकूंगी, इसलिए मैंने सोचा कि तब तक मैं अपनी मिर्ची के नाके ही तोड़ लेती हूँ। योगी को भूख लगी थी तो वो बोला मम्मा चिप्स खाना है मुझे, तो इसलिए मैं उसको दे देती हूँ चिप्स जब तक के मैं अपना काम कर लेती हूँ।
था, उसके बाद में मैं आ गई हूँ कपड़े धोने के लिए वॉशरूम में। मैंने लगाई है आज मशीन, वॉशिंग मशीन, उसमें मैं सभी कपड़े धो लूँगी, बेडशीट्स वगैरह भी, बाकी के कपड़े भी और ये ब्लैंकेट्स भी। कपड़े धोने के बाद में मैंने बनाए हैं यहाँ पर ब्रेड कोफ्ते, उसके लिए मैंने करे हैं आलू बॉईल और ब्रेड लिए हैं, साथ ही में कट करे हैं प्याज और हरी मिर्ची। तो मैंने तेल डालकर पैन में प्याज को भून लिया है। अब मैं ब्रेड के साइड के 4 कॉर्नर्स जो होते हैं उन्हें कट कर लूँगी। प्याज भूनने के बाद में मैंने डाल दी है हरी मिर्च उसमें, और फिर उसके बाद में डाल दिए हैं आलू जो कि मैंने बॉईल करके रखे हुए थे। फिर ऐड कर दूंगी मैं उसमें मसाले, हल्दी, लाल मिर्ची, नमक, हींग होगा तो थोड़ा सा हींग भी उसमें डाल देंगे अपन, गरम मसाला, थोड़ा सा अमचूर। अब देखिए मैंने ये चटनी के लिए 2 टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक लिया है और जीरा लिया है और उसको मिक्सर में घुमा लिया है, तो मेरी चटनी हो गई है रेडी। उसके बाद मैंने ऐड कर दिया उसमें काला नमक और थोड़ा सा नींबू। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे है, ब्लॉग अच्छा लगे, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें और एंजॉय करें मेरी ब्लॉग्स को। प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर ऑल वॉचिंग माय चैनल। राधे राधे।